ऐसा राक्षस है जो हमारे लोगों को खत्म करने में लगा है, लेकिन इससे लड़ने के लिए बहुत से तरीके निकाल लिए गए। पहले जब मास्क के जरिए इससे बचा जा सकता था, तब परिवर्तन एनजीओ ने 36 फुट के मास्क का निर्माण कर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया था। अब वैक्सीन आने के बाद परिवर्तन एनजीओ ने वैक्सीन की जागरूकता के लिए अभियान छेड़ दिया है। आज जीएमसीएच सेक्टर 32 चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगवाने की जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवर्तन एनजीओ द्वारा वसंत पंचमी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना रूपी राक्षस की सबसे बड़ी पतंग को कोविशील्ड व कोवैक्सीन रानी पतंगों द्वारा काटा गया। इस अवसर पर जीएमसीएच 32 के एमएस रवि गुप्ता के साथ ही परिवर्तन एनजीओ की फाउंडर रेणुका शर्मा भी उपस्थित रही। जीएमसीएच 32 की डायरेक्टर जसबिंदर कौर इस अवसर पर मुख्य अतिथि रही। इस मौके पर महिलाएं पीले लिबास पहनकर आई व समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनजीओ की ओर से महासचिव पंकज बाला, ऋतु गर्ग, तरलीन कौर व उषा शर्मा ने लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया। डायरेक्टर जसबिंदर कौर ने बताया कि इस वक्त 50% से भी कम लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में डर बना हुआ है कि वैक्सीन जल्दी में बनी है। हालांकि जाने माने लोगों सहित 95 साल के बुजुर्गों तक ने ये वैक्सीन लगवाई है और किसी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। जीएमसीएच के एमएस रवि गुप्ता ने कहा कि इस वैक्सीन से अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है, ना ही कोई डेथ रिपोर्ट आई है। वैक्सीन लगवाने की जागरूकता के लिए यह समारोह आयोजित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। परिवर्तन एनजीओ की फाउंडर रेणुका शर्मा ने बताया कि कोरोना एक राक्षस है जो हमारे लोगों को खा रहा है। उस राक्षस का अंत करने के लिए कोविशील्ड व कोवैक्सीन आई है। आज वसंत पंचमी के इस मौके पर हम कोरोना रूपी राक्षस की बड़ी पतंग को कोविशील्ड व कोवैक्सीन रानी पतंगों के जरिए काट कर ये संदेश दे रहे हैं कि कोरोना को इन वैक्सीन के द्वारा हराया जा सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। ही दवा है, ये हमारा टाइटल था जिसके अंदर हमने ये काम किया था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब उसके बाद अब जब आ गई है हमारे पास दवाई, इसके लिए वैक्सीन जो आ गई है उस वैक्सीन को हम प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डरना नहीं है। जो भी फॉरवर्ड स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, वो हमारी भलाई के लिए है, तो ये दवाई सेफ है। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी बेटी भी फ्रंट लाइन बैरियर है, वो इसकी जो डेवलपमेंट में ही है, वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो उसने भी सबसे पहले लगवाई है। बिल्कुल सेफ है, सिर्फ 3 दिन वीकनेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है, जो कि हर वैक्सीन से पहले वैसे भी होती थी। हम खसरे का टीका लगाते थे, पोलियो का, या जो भी टीके लगते थे, उसमें 2-3 दिन बॉडी जो है रिएक्ट करती है, वही चीज़ इसमें है। इसलिए इसके लिए डरिए नहीं, आगे आइए। गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स उठाए हैं हमारी भलाई के लिए ही उठाए हैं। गुप्ता सर, ये ड्राइव की अभी जरूरत, वैक्सीनेशन को लेकर ये ड्राइव कराई जा रही है, किस लिए? ये एक्चुअली वैक्सीनेशन मेन है जी। लेकिन ये कंबाइंड ड्राइव है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक पार्ट है इस जंग के अगेंस्ट हमें जीत हासिल करने का, और दूसरी चीजें जो हैं, मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो भी नहीं छोड़ना हमने। तो अभी लोगों को ये जागरूक मेनली करना है कि वैक्सीन लगवाएं सब लोग, वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, इसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं जिसमें कि ये साबित हो चुका है कि ये वैक्सीन जो है इसके लगाने के फायदे हैं, तभी हमारी सारी पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी बनेगी जिससे कि हम इस कोरोना वायरस को भगा पाएंगे। सर, वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा डर है लोगों में, इसके लिए शायद ये ड्राइव की गई है, उस डर के लिए कोई मैसेज कि जैसे आप बोल चुके हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है, पर फिर भी लोगों में डर बहुत है, कोई डोर टू डोर जाने की कोशिश की जा रही है? देखो ऐसे है, आज की डेट में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप लोग इतने एक्टिव हो, तो डोर टू डोर मेरे को लगता है कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोगों पे और हम सब लोगों पे एक जिम्मेवारी है कि हम लोगों को फैक्ट्स दें, लोगों को जो मिथ्स हैं वो उनको भगाएं। फैक्ट ये है कि पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी, तो वैक्सीन बनाने के लिए 5-10 साल लगते थे। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो वैक्सीन जो है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बन जाती है। सबसे बड़ा मिथ तो लोगों को ये है कि ये बहुत जल्दी वैक्सीन बन गई है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, अब रॉकेट लेके आप चांद पे चले जाते हो,
कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। तो इसी तरह से वैक्सीन में भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम हार्ट की आर्टरी के अंदर देख सकते हैं, तो हमको ये पता लग सकता है कि ब्लॉकेज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, हार्ट की आर्टरी का डायमीटर कितना है। और दूसरा, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि स्टेंट जो लगाया है वो कितना सक्सेसफुल रहा है, क्या वो पूरी तरह से स्टेंट एक्सपैंड हो गया है कि नहीं, या उसके एजिस पे कोई डिसेक्शन तो नहीं है, ये पता लगाया जा सकता है। साथ ही में ये भी मालूम पड़ता है कि स्टेंट लगाने से आसपास कोई हमने नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं और प्रोसीजर ज़्यादा आसान हो जाता है। पहले जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है उससे कितनी ज़्यादा बेहतर है और उस टेक्निक के साथ तो किस तरह से इलाज कर पाते हैं? पहले जब हम बिना OCT के एंजियोप्लास्टी करते थे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती थी, कई बार अननेसेसरी स्टेंट लगाने पड़ते थे, या कई बार पेशेंट को स्टेंट लगाने के बाद दोबारा प्रॉब्लम हो जाती थी और उनको वापस आना पड़ता था, क्योंकि रीस्टेनोसिस या स्टेंट थ्रोम्बोसिस ऐसे दो कारण हैं जिससे कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के बाद भी दिक्कत आ सकती है। इस टेक्निक के माध्यम से ये दोनों कॉम्प्लिकेशन लगभग बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और ऐसे पेशेंट्स अब बहुत ही कम हैं जो कि इस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आते हैं। तो ऑप्टिमल स्टेंट डिप्लॉयमेंट और किस वेसल में कितना किस तरह का स्टेंट लगाना है, इसका ज्ञान इस टेक्निक से भली भांति पता लगता है। ऐसे टेक्निक काम कैसे करती है, 3D मॉडल जैसे आपने दिखाया, किस तरह से बनाती है, क्रिएट कैसे की जाती है? ये परकुटेनियस मेथड से किया जाता है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं है, या तो रिस्ट की नाड़ी के माध्यम से या पैर की नाड़ी के माध्यम से, ग्रॉइन की नाड़ी के माध्यम से ये किया जाता है। और ये बहुत ही एक मिनिएचर कैमरा है जो कि कैथेटर बेस्ड होता है, जो हार्ट की नाड़ी के भीतर जाके 360 डिग्री पिक्चर्स जो है बाहर कंसोल में भेजता है। इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, इसमें पेशेंट को किसी तरह का जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है और पेशेंट कंफर्टेबली आराम से लेटा रहता है और ये टेक्निक करने में 5 या 7 मिनट टोटल टाइम लगता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.